वालों का नवा भी जायका। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन हांडी, जिसके लिए मैंने गोश्त लिया है। ये 1.5 किलो गोश्त है, मटन है, ये बकरे का गोश्त है। ये देखिए इस तरीके के मैंने मिला जुला के, मतलब हड्डी वाला भी है इसमें, बगैर हड्डी का भी है, मिक्स मैंने ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से धो करके साफ कर लिया है। और वहीं पे पीसने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें से देखिए लहसुन है, हमने 2 पोटी लहसुन लेकर के उसे अच्छी तरीके से छील लिया है। अदरक के 2 टुकड़े थे 3-3 इंच के, उसे भी साफ करके अच्छे से काट के हमने ले लिया है। 1 मीडियम साइज का अनियन था, उसे भी हमने अच्छी तरीके से काट लिया है। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं जो पीसने में जाएंगे। तो ये दालचीनी के छोटे छोटे 2 टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, छोटी सी जावित्री है थोड़ी सी, और 6 से 7 हमारे पास में हरी इलायची है, 6 से 7 लौंग ली है मैंने, 1/2 चम्मच काली मिर्ची ली है और 1 चम्मच जीरा लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक साथ पीसना है। इसी में हम ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी जाने वाला है काफ़ी सारा, इसलिए आप हरी मिर्च थोड़ी हिसाब से लीजिएगा। तो इस सब चीज़ों को हम जार में डाल के इसका बारीक पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसे भी हम डाल करके साथ में पीस लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के बराबर कम से कम, अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही, और जो हमने मसाले पीस के रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने 4 प्याज ली थी मीडियम साइज की, और उसे अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये जरूर डालिएगा, इससे हमारे को जो मटन हंडी है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, एकदम दानेदार बनेगी। ये इसमें हमने डाल दिया है, अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हाथों से, अच्छी तरीके से सारे मसाले मिक्स करेंगे। तो इसमें हमने जिस तेल में अनियन फ्राई करी थी वो तेल हम इसमें डाल देंगे। तो ये मेरे ख्याल से 100 ग्राम लगभग तेल है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना पसंद है आप उतना डालें। और 2 चम्मच तेल हम हांडी में डालेंगे, हम इसे मिट्टी की हांडी में बनाने वाले हैं, तो इसे मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो ये देखिए मैंने इसमें नीचे मिट्टी लगा दी है, पौधे की मिट्टी जरा सी लेकर के मैंने इसे नीचे लगा दी है, और ये हंडी को मैंने अच्छी तरीके से धो करके फ्रेश एकदम वॉश कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है वो हम इसमें गोश्त डालेंगे। तो उससे पहले हम इसमें तेल डालेंगे, ताकि ये हंडी को हम अच्छे से पूरा ऑयलिंग कर लेंगे अच्छे से घुमा करके। देखिए तेल इसमें मैं डाल दे रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से घुमा देती हूँ। इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से तेल को इस तरीके से कर देना है। तो मैं इसे फौरन ही बना रही हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो आप मैरिनेट मटन को 1-1.5 घंटे के लिए रख सकते हैं, जिससे मसाले अच्छी तरीके से वो हो जाएंगे। लेकिन हम इसमें काफ़ी देर पकाने वाले हैं तो भी मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक जाता है और गोश्त हमारा बहुत ही बेहतरीन बनता है। तो मैं इसे डायरेक्ट बना रही हूँ। तो देखिए हंडी में मैंने गोश्त को डाल दिया है, सारा ही हम इसमें डाल देंगे। 1 टमाटर हमने काट लिया है, वो हम इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, आप मिक्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हांडी को गैस पे रखेंगे, तो एक फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, उसके बाद में हम इसे थोड़ा सा मीडियम करके पकाएंगे। तो चलिए हम इसे रख देते हैं गैस पे। तो देखिए गैस के चूल्हे पे मैंने हांडी रख दी है इस तरीके से, और फ्लेम एकदम मैंने लो रखा हुआ है, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए एकदम लो फ्लेम पे, और इसे हम ढक देते हैं ढक्कन से। तो इसे हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के ऐसे ही रख दे रहे हैं। अगर इस पे हम आटा लगा करके मिट्टी का ढक्कन ढक देंगे तो बार बार हम इसे देख नहीं पाएंगे, तो
तो उसमें जलने का डर रहता है, तो मैं इसे इसी तरीके से बना रही हूँ। अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो उस तरीके, तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मटन में अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा बॉयल आने लगा है। तो हम इसे क्या करते हैं, लो फ्लेम पे ही पकाने वाले हैं, तो कम से कम इसमें 40 मिनट लग सकते हैं। तो बीच बीच में हम एक बार चलाते रहेंगे इसको और इसे 40 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो 25 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और एक बार हम खोल के इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये पक रहा है। तो इसे हम एक बार ऊपर नीचे कर देते हैं। और फिर से इसे हम पकने देते हैं, 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 40 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं। बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है ये, लेकिन हम छोटा सा एक पीस निकाल के इसका चेक कर लेते हैं मीडियम साइज का कि ये गोश्त गला है कि नहीं। तो इसे हम निकालते हैं कटोरी में और हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसे ठंडा करेंगे बोटी को और फिर इसे हम टच करेंगे कि गला है कि नहीं। तो देखिए ये अभी हार्ड है, टूट नहीं रही है बोटी, तो इसका मतलब 10 मिनट की कसर और है इसमें। तो 10 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और फिर से इसका ढक्कन हम ढक देंगे। तो ये देखिए मटन को पकते हुए लगभग 1 घंटा हो रहा है और अभी मैंने निकाल के इसे चेक किया है, ये माशाल्लाह गल भी गया है और इसका टेक्सचर देखिए कितना ही प्यारा आया है, कितना क्यूट इसका कलर आया है, माशाल्लाह बहुत ही यम्मी दिख रहा है अभी से। तो चलिए हम इसे करते हैं डिश आउट, गैस का फ्लेम करते हैं बंद। तो ये देखिए हमारा मटन हांडी बन करके तैयार है और इसे हमने क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी हांडी में सर्व किया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।